आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में। लास्ट रैली जो पावर सेक्टर के अंदर दिखी थी, उस रैली में जेपी पावर पार्टिसिपेट होते हुए नहीं दिखा था, और इस समय हमने कहा कि जेपी पावर आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा जितने भी पावर सेक्टर के छोटे स्टॉक हैं। इस समय ये स्टॉक 11 के प्राइस से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद इस समय देखेंगे तो 6 रुपीज के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रही है। टेक्निकली इस स्टॉक को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इस समय का जो क्लोजिंग रहा है वो अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज के प्राइस का रहा है। FIs कंटिन्यूस बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 7.50 रुपये से लेकर के 8 रुपये तक के टारगेट इजिली दिख सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 6 रुपीज। और अगर आप इसको नेट 2 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो इजिली 100% तक के रिटर्न, यानी इजिली 12 से 15 रुपया तक का इजिली टारगेट आपको इस स्टॉक में मिलते हुए दिखेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो अर्ली प्रॉफिट करने की बिल्कुल गलती नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, चूंकि ट्रेंड काफ़ी बुलिश।